हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुर्जी। ये रहा अंडा, कटी हुई टमाटर, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च। इधर कढ़ाई भी गर्म हो रहा था, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें हम जो कटी हुई टमाटर रखी हुई है उसे इसमें ऐड कर लेंगे। नमक भी डाल देंगे, नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाएगा। टमाटर डालने से पहले हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल करके थोड़ी देर भून लेंगे। एक प्याला में एक एक करके अंडा को फोड़ करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से अब मिक्स हो गया। अब हम प्याज में टमाटर को डाल देंगे। इसमें अब जीरा मिर्च पाउडर डाल दें और चिली फ्लेक्स उसको भी डाल दें। चिली फ्लेक्स की जगह आप मिर्चा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स डालने से ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे एक ढक्कन से ढक दें 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट के बाद ये गल गया हुआ, इसे अच्छे से मैश करके मिला लें। उसके बाद इसके ऊपर अंडा को एक परत डाल दें और अंडा डालने के फौरन बाद ना चलाएं। ये हमारा अंडा अब इसमें डल चुका, इसे हम ढक देंगे एक ढक्कन से 2 मिनट के लिए। ये अंडा लगभग 40% पक जाएगा, उसके बाद इसको हम खोलेंगे और धीरे धीरे इसको चलाएंगे। तो धीरे धीरे चलाना है, मैश करते हुए नहीं चलाना है। मैश करने पर इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और लगेगा कि नहीं कि अंडा इसमें डाला हुआ है। और धीरे धीरे चलाने पे खाने में सिर्फ अंडा ही अंडा लगेगा। इसे अब अच्छे से पानी सूखने तक भून लें। ये कढ़ाई हमारा लोहे का है, इसमें बिल्कुल नहीं चिपकता है, नॉन स्टिक की तरह ये काम करता है। ये अब सूख गया, इसमें अब धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे मिला लेंगे और एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे और इसे आप रोटी के साथ खाएं। जिस चीज़ दिल चाहे आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और इसी तरह से आप भी बनाएं और खाएं। और ये रेसिपी कैसा है आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।